डियर स्टूडेंट्स अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फार्मुलेशन यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एल पी मॉडल को फॉर्मुलेट करना हो तो उसके फॉर्मुलेशन में हमें किन किन स्टेप्स को फोकस करना होता है या फिर एल पी मॉडल फॉर्मुलेशन की क्या प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे द यूजफुलनेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एज आ टूल फॉर ऑप्टीमल डिसीजन मेकिंग ऑन रिसोर्स एलोकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेबलिटी टू मैनी डाइवर्सिफाइड डिसीजन प्रॉब्लम्स यानी कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इसकी बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस है टू द कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स क्योंकि रिसोर्स जो एवेलेबल हैं वो लिमिटेड है किसी भी एंटरप्राइज के पास और उसको प्रॉपरली एलोकेट करने के रेफरेंस में जो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग फॉलो की जाती है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर फॉलो की जा सकती है और ये जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी वो बहुत सारी डाइवर्सिफाइड डिसीजन प्रॉब्लम्स में फॉलो की जाती है तो इसकी इस यूजफुलनेस को देखते हुए हम एल मॉडल फॉर्मुलेशन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एल मॉडल फॉर्मुलेशन इज आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरियबल्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था जनरल स्ट्रक्चर में कि इसके तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है डिसीजन वेरियबल्स तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको डिसीजन वेरियबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है अब इन डिसीजन वेरियबल्स के आइडेंटिफिकेशन के रेफरेंस में सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना होता है आपको एक्सप्रेस ईच कंस्टेंट्स इन वर्ड्स फॉर दिस यू सोट फर्स्ट सी वेदर द कंस्टेंट इज ऑफ द फॉर्म ग्रेटर इक्वल टू इट मीन्स एटलीस्ट एज लार्ज एज ऑफ द फॉर्म लेस इक्वल टू नो लार्जर देन और ऑफ द फॉर्म इक्वल टू इट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल टू ये सबसे पहला स्टेप है डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के रेफरेंस में सबसे पहले क्या करना है आपको जो भी कंस्टेंट्स हैं जितने भी कंस्टेंट्स अवेलेबल हैं प्रॉब्लम में उन सारे कंस्टेंट्स को आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है और ये देखना है कि कंस्टेंट्स को किन पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर में रिप्रेजेंट किया गया है अगर एटलीस्ट की कंडीशन के साथ में है इसका मतलब लेस देन मोर देन इक्वल टू के साइन को यूज किया जाएगा अगर नो लार्जर देन की फॉर्म में अवेलेबल है तो इसको हम लेस देन इक्वल्टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू की फॉर्म में दे रखे हैं कंस्टेंट्स तो हम इसको इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ट इज क्लियर इसके बाद आपको बी पॉइंट की तरफ मूव करना है इसी फर्स्ट स्टेप में डिसीजन वेरिएबल्स को आइंटिफाई करने के स्टेप में और स्टेप क्या है इसके अंदर यू वर्बली एक्सप्रेस फंक्शन अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक्सप्रेस करना है लेकिन वर्बली क्योंकि आप डिसीजन जो प्रॉब्लम है आपके पास उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली स्टडी करने के बाद जब एक बार कंस्टेंट्स को एक्सप्रेस कर देते हो वर्ड्स के फॉर्म में उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइंटिफाई करते हो उस दी हुई प्रॉब्लम के अंदर और उसको में जाता है। में क्यों जाता है? क्योंकि एक तरफ तो आपने को में किया है, दूसरी तरफ आपने वर्बल वे में एक्सप्रेस किया है उसके बाद आप सी स्टेप की तरफ मूव करते हो जहां ए और बी स्टेप को फॉलो करते हुए जो डिसीजन वेरिएबल्स है उनको वर्बली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो जो डिसीजन वेरिएबल्स है उनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है सबसे पहले तो आपको कंस्टेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है वर्ड्स में उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वर्बली एक्सप्रेस करना होता है उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो डिसीजन वेरिएबल्स को वर्बल बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो हैविंग स्टेप ए सी डिसाइड द सिंबोलिक नोटेशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल्स एंड स्पेसिफाई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अब जब आप वन ए से लेकर वन सी तक सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हो तो जो डिसीजन वेरेबल्स आपने वर्वल बेसिस पर एक्सप्रेस किए हैं उनको आप सिंबॉलिक नोटेशन प्रोवाइड करते हो यानी कि सिंबॉलिक नोटेशन के बेसिस पर डिसीजन वेरेबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके साथ साथ जो उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं उसको भी आपको स्पेसिफाई करना होता है जब आप ये वर्किंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बेसिस पर आपका स्टेप वन कंप्लीट हो जाता है जहां आप डिसीजन वेरिएबल्स को उनकी नोटेशन के बेसिस पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते हो क्या करना होता है आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम डेटा प्रॉब्लम डेटा तो आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना है सो फॉर सोल्विंग नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम डेटा सो एज टू प्रोवाइड द एक्चुअल वैल्यूज फॉर द डिसीजन वेरेबल्स फॉर दिस वी नीड टू इन्यूमरेट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द गिविन प्रॉब्लम ऑर्डर टू डिटर डेटा यानी कि अब आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम डेटा को आइडेंटिफाई करना ही होगा जैसे कि डिसीजन वेरियबल्स की एक्चुअल वैल्यूज को ऑप्टेन किया जा सके और डिसीजन वैल्यूबल की एक्चुअल वैल्यू को ऑप्टेन करने के लिए और प्रॉब्लम डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं जो दी हुई प्रॉब्लम है उसमें जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम एन्यट करते हैं और एन्यमरेट करने के बाद डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है और जो क्वांटिटीज या जो वैल्यूज आपने डिटरमाइन करी हैं यही प्रॉब्लम डेटा को डिफाइन करती हैं क्लियर तो इस तरह से आप प्रॉब्लम डेटा को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते हो लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट प्रॉब्लम को केयरफुल वे में स्टडी करना होता है ठीक है अब फॉर्मुलेट करने के रेफरेंस में यहां मैं पहले बात करूंगा ए स्टेप की कंस्टेंट्स को फॉर्मुलेट करना है तो इसके अंडर में सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करोगे आप वर्वली एक्सप्रेस द कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ईच रिसोर्स। क्योंकि जो कंस्टेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आपने प्रॉब्लम डेटा को तो आइडेंटिफाई कर रखा है आपने डिसीजन वेलेबल्स को भी आइडेंटिफाई कर रखा है अब आपको क्या करना है जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस टर्म में आपको कंस्टेंट्स को वर्बल बेसिस पर एक्सप्रेस करना है क्योंकि लिमिटेशन है रिसोर्सेज की तो जितनी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले कंस्टेंट्स को वर्बली एक्सप्रेस करना है इसके बाद बी स्टेप की तरफ मूव करोगे आप और बी स्टेप में क्या करोगे आप कन्वर्ट द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द कंस्टेंट्स इंपोज्ड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी एज लीनियर इक्वलिटी और इन इन टर्म्स ऑफ द डिसीज़न वेरेबल्स डिफाइंड इन स्टेप वन स्टेप वन में स्टेप वन में हमने जिन डिसीज़न डिसबल्स को डिफाइन किया था उन डिसीज़न डिस के टर्म में आप क्या करोगे जो कंस्टेंट्स हैं उनको वर्वल एक्सप्रेशन के बेसिस पर कन्वर्ट करोगे यानी कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे लीनियर इक्वलिटी या इन इक्वलिटी के बेसिस पर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको कंस्टेंट्स को वर्बल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप बी इस स्टेप में मैं जिन कंस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ दीज कंस्टेंट्स आर द कंडीशंस दैट द डिसीजन वेरिएबल मस्ट सेटिसफाई इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेबल और फिजिबल सोल्यूशन तो ये वो कंस्टेंट्स हैं जिनके रिगार्डिंग जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उन्हें एक एक्सेप्टेबल या फिजिबल सॉल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के रेफरेंस में इन्हें सेटिसफाई करना जरूरी है जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा ये जो है, कंस्टेंट्स हैं वो एराइज हो सकते हैं किसकी वजह से फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से मैनेजमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या फिर इम्प्लाइड रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स की वजह से तो ये सब रीजन हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स डेवलप होते हैं और एक विजिबल सॉल्यूशन को ऑप्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसबल्स हैं उनको इन कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है क्लियर एक बार आपने कंस्टेंट्स को डिफाइन कर दिया Constance को डिफाइन करने के बाद अब आप क्या करोगे स्टेप नंबर फोर लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हो एंड दिस इज फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करना है कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है आइडेंटिफाई वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैगजिमाइज और मिनिमाइज एक्सप्रेस इट वर्वली मैग्जिमाइज टोटल प्रॉफिट ऑब्लिक कॉस्ट एंड देन कन्वर्ट इट इन टू अर लीनियर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन डिस फॉर्मुलेट करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करने से पहले आप ये चेक करोगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैग्जीमाइज है या मिनिमाइज है और फिर इसको आप वर्वली एक्सप्रेस करोगे अगर प्रॉफिट है तो मैग्जीमाइज होगा कॉस्ट है तो मिनिमाइज होगा और उसके बाद आप इसे डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में लीनियर मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करोगे और इस तरह से एक्सप्रेस करोगे कि जो उनका यूनिट कंट्रीब्यूशन है यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन या फिर यूनिट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है उसे मल्टीप्लाई करोगे डिसीजन वेरिएबल्स को और मल्टीप्लाई करते हुए उसे आप लीनियर वे में एक्सप्रेस करोगे तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाता है तो सबसे पहले तो आपको डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है उसके बाद कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना है वो भी लीनियर वे में वो भी डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करना है लीनियर वे में और डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में इस तरह से आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हो जाता है नाउ वी विल डिस्कस जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि जो हमने अभी प्रोसेस डिस्कस की है जनरल मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करने के रेफरेंस में तो उसके बेसिस पर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मैथमेटिकल मॉडल किस तरीके से दिखाई देता है उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ हम ये यह मानते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसमें एन डिसीजन वेरेबल्स हैं और एम कंस्ट्रेंट्स हैं एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स और एम नंबर ऑफ कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है सपोज करिए कि x1, x2, x3, अप टू करिएमा एक्सन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स ये हमने वेरियबल्सूम कर लिया ये हमने सपोज कर लिया है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसको हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपू डे एक्सन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं तो जो ऑप्टिमाइज

ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कंस्टेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और यहां B1 वन वैल्यू जाएगी टोटल वैल्यू की यानी कि टोटल अवेलेबिलिटी की योगी फर्स्ट रिसोर्स या फर्स्ट कंस्टेंट के रेफरेंस में ये पहली इक्वेशन आ गई तो ऐसे जितने भी आपके पास कंस्टेंट्स अवेलेबल होंगे हर किसी के रेफरेंस में एक अलग इक्वेशन अवेलेबल होगी और इसको आप डिस के टर्म्स में डिफाइन करोगे ऐसी अगले क्वेश्चन क्या बनेगी ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस अपस प्लस ए टू एन एक्स एन फिर वही या तो लेस इक्वल टू या फिर साइन होगा और वैल्यू टोटल अवेलेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे बी टू से ऐसे ही इसको आप डिफाइन करते चले जाओगे एक्सपेंड करते चले जाओगे जितने कंस्टेंट अवेलेबल होंगे हर कंस्टेंट के रेफरेंस में अलग इक्वेशन डेवलप होगी और लास्ट इक्वेशन रहेगी इसके अंदर ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस अप टू डैश प्लस ए एम एन एक्स एन To क्यों? यहाँ पर हमने एन डिसबल्स को लिया है और एम कंस्टेंट्स को लिया है इसी वजह से इस मॉडल को हम यहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ जो डिसबल्स हैं एक्स वन एक्स टू अपूस एक्सन दीज आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज इसी वजह से कंडीशन से रिप्रेजेंट किया गया है हम स्टडी कर चुके हैं पहले भी कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं इसी वजह से दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो दिस इज द जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ओके थैंक यू